नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलाकार टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिलाकार टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिलाकार टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिलाकार टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिलाकार टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सिलाकार टैबलेट का उपयोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। सिलाकार टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिसकी वजह से एंजाइना, दिल का दौरा और लकवा लगने का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से दिल का दौरा और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से दिल और किडनी फेलियर होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। सिलाकार एक ब्रांड नेम है। सिलाकार टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिलनिडिपाइन होता है। सिलाकार टैबलेट 5 mg, 10 mg व 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलाकार टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सिलाकार टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिलाकार 5 mg या 10 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। सिलाकार टैबलेट को हर रोज सेम टाइम पर लेना रेकमेंडेड होता है। मान लीजिए आज आपने सिलाकार टैबलेट को सुबह 8 बजे लिया है, तो आपको हर रोज सिलाकार टैबलेट को सुबह 8 बजे ही लेना चाहिए। सिलाकार टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिलाकार टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सिलाकार टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलाकार टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिलाकार टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में सिलाकार टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, दिल की धड़कन का तेज होना, पेट में दर्द, सिर घूमने का आभास होना, त्वचा का लाल होना और शरीर में थकान होना आदि साइड इफेक्ट्स सिलाकार टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सिलाकार टैबलेट की वजह से हाथों व पैरों में सूजन और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलाकार टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिलाकार टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल में करने के लिए आपको सिलाकार टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल में करने के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सिलाकार टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को सिलाकार टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सिलाकार टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिलाकार टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिलाकार टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिलाकार टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिलाकार टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।